हेलो वेलकम स्टूडेंट, मैं पीके सर मोटिवेटर। तो स्टूडेंट, आप जानते कि आपका सीसीएमएन का जो है शेड्यूल वो अभी चेंज हो गया है, कुछ अपडेट्स हैं तो आपके सामने मैं रखता हूँ स्टूडेंट। तो आप जानते हैं 7 सितंबर को आपका स्पेशल राउंड का सेकंड राउंड का सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। उसके बाद में जो नए स्टूडेंट है जिनका सीट मिलेगी उनको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, और जो पहले के रेगुलर राउंड के स्टूडेंट हैं उनका जो है अपने इंस्टीट्यूट में जो इंस्टीट्यूट उनको मिला है रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट में आपका जो है ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगा। यानी 8 सितंबर से 12 सितंबर तक आपका जो है ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगा स्टूडेंट। और जो आपका फिजिकल रिपोर्टिंग होगा या नहीं होगा, आपका फिजिकल रिपोर्टिंग कब होगा, आपकी क्लासें कब स्टार्ट होगी, ऑनलाइन होगी या फिर ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी आपके एनआईटी में, इसकी जानकारी भी आपको 8 से 12 सितंबर तक मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी स्टूडेंट? आपको सीसीएमएन वेबसाइट पर नहीं मिलेगी, आपको कौन से एनआईटी या सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट मिला है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना होगा, रोज आपको चेक करना होगा, वहां पर इस टाइप की आपको जानकारी मिलेगी। अलग अलग एनआईटी अपना जो है ईयरली कैलेंडर जो है एकेडमिक कैलेंडर वो जारी करेगी आपकी क्लासें कब स्टार्ट होगी, क्योंकि अभी गाइडलाइन आ चुकी है कि जो हायर एजुकेशन जो है पीएचडी या फिर पीजी क्लासेस है वो स्टार्ट कर सकती है यूनिवर्सिटी, तो आपकी क्लासेस हो सकती है। तो आपका ये जानकारी 8 से 12 सितंबर के मध्य आपको मिल जाएगी, हो सकती है डेट इंक्रीज भी हो जाए, अपडेट आ जाए इसमें, तो ये ध्यान रखना स्टूडेंट। और जो मेन बात उनकी रही, जो स्टूडेंट को स्पेशल राउंड में सीट मिली है, चाहे फर्स्ट में मिली है सेकंड में, उनको बैलेंस फीस कब पे करनी है, क्योंकि आपकी सीट एक्सेप्टेंस फीस तो आपकी शुरू में ही जब आपने रजिस्टर किया था जो है स्पेशल राउंड तभी आपका हो गया था, अब आपकी बाकी है बैलेंस फीस। तो डिफरेंट आपकी बैलेंस फीस जो है आपकी 13 से 15 सितंबर तक आपको पे करनी है, 13 से 15 सितंबर तक आपको पे करनी है। कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम है फीस को एडजस्ट करने में, तो डिफरेंट तब तक आप जुटा लीजिए फीस। बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी सवाल था कि सर जो नॉर्थ ईस्ट जोन के एनआईटी है, जैसे एनआईटी मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, इन एनआईटीज की जो बैलेंस फीस है सर वो कितनी होगी? तो डिफरेंट इनकी बैलेंस फीस बहुत कम है। आपने जो स्पेशल राउंड के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने जो सीट एक्सेप्टेंस फीस दे दी है 10,000 या 15,000, लगभग एनआईटीज की 19 में एडजस्ट हो जाएगी, क्योंकि इनकी जो फीस है वो 10,000 से 15,000 के आसपास है। तो आपको अगर आपकी बैलेंस फीस उसी के अंदर एडजस्ट हो जाएगी तो आपको बैलेंस फीस पे करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ ज्यादा कुछ 2-3 हज़ार भी बचते हैं तो आपको जो है बैलेंस फीस के टाइम पर आपको पे करने होंगे स्टूडेंट। कुछ स्टूडेंट का ये भी सवाल था कि सर जो डॉक्यूमेंट है हमें फिर से हमारे एनआईटी में अपलोड करने होंगे, एनआईटी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके अपलोड करने होंगे, कब करने होंगे? तो स्टूडेंट ये अभी नोटिफिकेशन आ सकता है आपका 8 से 12 सितंबर के मध्य। अगर जैसे एनआईटी राउरकेला है, तिरची है, इनके अकॉर्डिंग और भी एनआईटी अगर ऐसा चाहती है, अगर ऐसा करती है तो बिल्कुल आपको अपनी एनआईटी उसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आपको फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, वहां से फिर से वेरिफिकेशन होगा वहां से। स्टूडेंट अगर ऐसा होता है तो अभी आपको क्या करना है, आपको सीसीएमएन की वेबसाइट पे आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, आपको अपनी जो एनआईटी है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट को रोज चेक करते रहना, वहां पर जो नोटिस है उनको चेक करते रहना, आपका नोटिस आए तो आपको ऐसा जो है प्रोसेस करना है। बाकी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे अगर कोई भी एनआईटी ऐसा कोई अपडेट देती है स्टूडेंट। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करते नहीं है, अदरवाइज वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।